हमारे यहाँ, आप चौदह में आप परमिशन दो जाएगा, मैं सबको बुलाता हूँ कि करके। बेटा पूरा शो खत्म हो गया, तूने आज तक बात करने के पहले परमिशन नहीं दी, आज ले। ये जो दिन है ऐतिहासिक, राघव जो है बिल्कुल नहीं बोलते जैसे कि आप सब जानते हो, और जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा बोलते हैं कि कान पक जाते हैं। तो आज तुमने परमिशन दिया, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा कीड़ा और पीड़ा झेल के आया हूँ मैं, और झेला तो कुछ नहीं, मज़े लिए, बहुत ज़्यादा फन हुआ है बहुत। मतलब मैं कोई भी स्टंट, सब लोग सीरियस हैं, टेंशन में बैठे रहते थे, मैं आराम से रुका रहता था, सनसेट देखता था, फिर स्टंट होता था, स्टंट करके आ जाता था, पता भी लगता था जीता हूँ कि हारा हूँ। तो ऐसा गया मेरा पूरा एंड तक शो, और बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, आप लोग पैसा भी दे दो किसी को तो नहीं मिलता है जो हमें मिला है। यूनिक यूनिक स्टंट्स क्रिएटिवली बैठ के जो डिसाइड किए लोग वहाँ पर, और वो करने को मिले, सो माइंड ब्लोइंग बहुत ज़्यादा। मतलब एक ऐसा लग रहा था कि कोई यंग कॉलेज क्राउड गया हुआ है वहाँ, क्योंकि उनके साथ हम पूरी हंसी मजाक आपने देखी है, मैं बिल्कुल नहीं रुकता हूँ और वो भी नहीं रुकते, बिल्कुल पंच मारते। तो हमारा बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी हंसी मजाक को लेके, और काफ़ी बार ऐसा होता था कि हम लोग, मैं कुछ बोल, वो कुछ बोल रहे हैं, फिर मैंने पंच मारा, फिर उन्होंने पंच मारा, फिर परेशान हो, बोलो यार राघव चुप हो जाए यार, मुझे करने दे होस्टिंग। लोग जब बोलते हैं आई एम सीरियस गाइस, तो मैं हॉस्पिटल जाके देखता हूँ, वो नहीं हो एक दिन लाइफ में, क्यों सीरियस होना है, आखिर में पढ़ाई रहना है सीरियस। राघव ऑनेस्टली तो हॉस्पिटल में भी सीरियस नहीं। हाँ बेस्ट। मैं सीरियसली एक बात करना चाहूंगा इस बंदे के बारे में, एक्चुअली कुछ कह ही नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। ये वो पहला इंसान है जिसने मेरी भी बोलती बंद करवाई थी, तो होस्ट पहली बार चुप बैठा जब ये आदमी बात करता है, इतनी बकवास करता है, खैर आपको अंदाजा तो लग गया होगा। हाँ तो एक कीड़ा मैं था उनका बहुत, लेकिन बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और हंसी मजाक में और बहुत स्टाइल में गया शो, बहुत ज़्यादा। उधर भी आपको देखने को मिलेगा, आप एपिसोड देखिए, एक नया मसाला डालूंगा मैं अपनी तरफ से, और जितना हो सकेगा एंटरटेन करूँगा लोगों को, उसी के लिए आया हूँ। सो यस, वहाँ मेरे को बहुत सारे डर थे लोगों के, लेकिन जो सबसे बड़ा डर है वो था फियर ऑफ लॉस, लोगों में बहुत था वो, उनको हारने का बहुत डर रहता था। तो मेरे को सबसे बड़ा डर मैंने वो ओवरकम किया है, क्योंकि मुझे अब लॉस और जीत और हार से बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, तो वही ओवरकम किया है डर को मैंने। उनके बॉडी को देख के खंभे झुक जाते हैं, खंभे झुक जाते हैं, मतलब लड़कियां पागल हो जाती हैं, महिलाएं, मतलब पूछिए मत आप कैसा ऐसा होता है। स्त्री, बिल्कुल स्त्री, पुरलिंग, खंभा खड़ा भी हो सकता है, मतलब ना खंभा झुकता नहीं, सिर्फ खड़ा भी हो सकता है। आइए लड़ाई, आइए आइए। जितनी अर्जेंटीना के पास थी हमने सब झेल ली, वो तो ना मैं बता सकता हूँ, जितना था उधर खोद खोद के निकाल के वो लोग ने हमारे ऊपर डाल दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, आप शो में देखेंगे कुछ नहीं बचा था, जितने कीड़े थे और जितनी पीड़ा देनी थी सबको दे दी। एक्चुअली हम साथ में पहले ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे कई लोग और ये सब, लेकिन बाद में क्योंकि हम 20-20 22-22 घंटे काम करते थे, तो ऐसा हो गया था कि बस वो पिकनिक बस नहीं होती, सब लोग गाना गाते हैं और सब लोग मस्ती करते हैं, तो वैसा माहौल हो गया था, सब लोग फैमिली टाइप हो गए थे और एक फैमिली बॉन्डिंग हो गई थी, और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे, बिकॉज एंड ऑफकोर्स चैनल भी उस बात को खुश नहीं थी, क्योंकि बोले थे अरे कुछ कॉम्पिटिशन करो, क्या हम एक अरे कर अच्छे से कर अच्छे से कर, नहीं नहीं वो तो ऐसा चल रहा था, बट एक यूनिक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इस शो में, और सबसे अच्छी केमिस्ट्री बन गई आप देखेंगे शो में, और बहुत मस्ती की हमने, बहुत मस्ती, अर्जुन ने भी बहुत सपोर्ट किया हमने, एक्चुअली किया हमें कि हम मस्ती कर सकें, क्योंकि एक भी पल ऐसा नहीं है जिसने अपना बहुत सीरियस है, तब जैसे ऑफकोर्स स्टंट के दौरान आपको सीरियस रहना पड़ता है, लेकिन आउटसाइड स्टंट्स, ओ गॉड वी हैव हैड फन। राघव क्या है ना, वो उनको एक बैड केस ऑफ वर्बल डायरिया है एक्चुअली, बट इन अ गुड वे, बहुत ही स्पॉन्टेनियस इंसान है, और जैसे अर्जुन ने कहा कि पहला इंसान है जिसने अर्जुन को भी चुप करा दिया, और होश भी कुछ नहीं बोल पाया, कि इतनी मस्ती करता था वो, लेकिन एक पॉइंट पे लाइक हमें उनको कंट्रोल करना पड़ा कि राघव अब चुप हो जा, अब चुप हो जा, बंद कर, अभी एपिसोड आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो कितनी बकवास कर रहा है, तो ऐसा होता था, बट इट वॉज ग्रेट फन, और राघव की वजह से एक एक हसमुख माहौल रहा है हमारे साथ, एंड ही इज डन रियली फनी थिंग्स, एंड ही इज अ फैबुलस टैलेंट, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आप देखेंगे शो में आपको मज़ा आएगा, बहुत अच्छे फॉर लाइफ, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, सब लोग, सिद्धार्थ भाई, विवान भाई, मुक्ति, पार्वती, ऐश्वर्या, युवराज भाई,
और अब हमारा ग्रुप बन गया मुंबई में, तो हम लोग सब साथ ही रहते हैं और साथ ही पार्टी के लिए जाते हैं, साथ ही घूमते हैं। मैं जब जा रहा था तो इन्होंने मुझे पूछा था कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, बोला नहीं, पानी से, बोला नहीं, बोला आप क्या क्या किस चीज़ से डरते हैं, बोला यार सांपों से थोड़ा सा मेरे को घिन आती है, थोड़ा डर लगता है, तो पहले मौके पे मैं सांप डाल दिया मेरे ऊपर सब, तो जितने थे अर्जेंटीना में सब डाल दिए, बकेट और लाओ और लाओ, और मैं बोला अब तो खत्म हो गया, अब शुरू करूँ, नहीं और वन मोर ऐसे ही चल रहा था। तो आई मीन दैट इज़ वन थिंग, अब ऐसा हो गया है कि आप किसी भी कंडीशन से भी पूछेंगे कि पहले तो घर पे कॉकरोच आता तो दो बार सोचते थे अरे यार कुछ पेपर वेपर लाओ उठाने के लिए, तो अब तो हाथ में उठा के फेंक सकते, इट्स लाइक दैट, किसी भी चीज़ कुछ भी आ जाए सामने को डरेगा नहीं कोई। वैसे कुछ मिस होता नहीं मेरे पास, ज़्यादातर हम मैं साथ ही रहते हैं हम लोग रोज़, मैं, पार्वती, मुक्ति, सिद्धार्थ भाई, तो अभी भी हम लोग बल्कि खतरों के खिलाड़ी खत्म होता उसके बाद हम लोग एक पीक कवर करने चले गए थे समिट पे उत्तराखंड, मेरे गांव उनको लेके गया था मैं, तो मैं उनको पहाड़ और ट्रैकिंग वेकिंग कराई सबको, तो बहुत मज़ा आया। जब आप वापस आते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने लाइफ में ये दिस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में आपने कितना कुछ किया है और आपने कितना कुछ अकम्प्लिश किया, आपने आपको कितना प्रूव किया है कि आप क्या क्या काबिलियत रखते हैं और प्रेशर सिचुएशंस में आप कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो यू आर गोइंग टू सी सम यूनिक थिंग्स, आई मीन मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इट्स सो फनी, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता, बट एक चीज़ मिस करूँगा विच इज़ आर ऑल ऑफ अस टुगेदर, एक यू नो एक दैट वो माहौल बनता था और एक अंदर ही अंदर कॉम्पिटिशन भी है और एक फ्रेंडशिप भी है और यू नो और वो एक हम बेसिकली हम एक दूसरे को ऐसे कहते हैं कि बेइज्जती डे नंबर 3, क्योंकि हम कुछ भी धूप में खड़ा रखते थे 15-15 घंटे हम ऐसे खड़े हैं और स्टंट चालू है, खड़े हैं सब थके हुए हैं मरे हुए हैं, खाना अर्जेंटीना खाना किसी को आधे लोगों को सूट नहीं कर रहा था, मैंने तो चला लिया, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन जितने वेजिटेरियन थे बेचारे उनकी हालत ख़राब हो गई थी, तो बट ये क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस जो ट्रॉमा था वो एक आप मिस करते हैं, क्योंकि आप जब लुक बैक करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट यू एक्चुअली मिस, ये अजीब चीज़ें हैं जो आप मिस करते हैं। You don't miss all. I mean, you miss obviously the stunts and all. Ki waking up next morning, आज क्या होगा? चल आज देखते हैं क्या होता है. अरे आज कल पानी वाला किया था. आज तो कीड़ा वाला 100%. तो वो चालू discussion चालू रहता था. और हम लोग बस से झांक रहे थे. अरे chopper दिख रहा है. अरे क्या दिख रहा है? बस दिख रही है. अरे बस का stunt. अरे taxi. वो सब miss करते हैं. मैं सबको यही कहूँगा कि please life बहुत सुंदर है. बहुत हंसी मजाक वाली है. Serious मत लो उसे. और हमेशा एंजॉय करो, बी हैप्पी एंड स्टे कूल, कीप क्रॉकिंग। आप खतरों के खिलाड़ी ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ मेक इट अ सक्सेस, एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस, क्योंकि ये एक यूनिक शो है जहाँ पर हमने अपनी दिलो जान दे दी है शो को आपके लिए एंटरटेनिंग बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ मत मिस करिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ वॉच द शो 9 PM ऑन योर कास्ट।